तो जी स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। तो भाई आप लोगों के डिमांड के ऊपर आज फिर से आ गया हूँ मैं कसाना डीजे का और अपडेट लेकर के आज आपको दिखाता हूँ कसाना डीजे पर कितना कुछ काम हो गया है और कितना कुछ काम बाकी है। तो मेरे पीछे खड़ा है कसाना डीजे और अभी आपको थोड़ा और पास लेकर के चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ पूरी डिटेल में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि लाइक करें और कमेंट भी करते रहना आगे के लिए कि आपको किस तरह के मेरे और ब्लॉग्स चाहिए, आपको किस डीजे के अपडेट चाहिए। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए उसी डीजे की अपडेट्स देने की। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस अभी थोड़ा थोड़ा सा खुलना स्टार्ट हुआ है कसाना का जो कवर कर रखा था, अभी दिखाते हैं, अगर पूरा हट जाएगा तो आपको ज़रूर दिखा देंगे हम। तो मेरे ख्याल से अभी इसके ऊपर बांधेंगे ताकि इसमें लाइटिंग का जो वर्क है वो आसानी से कर सके, क्योंकि अभी करने में थोड़ी दुविधा आ रही होगी। अब ये पूरा इसके ऊपर चिपका हुआ था तो उसकी वजह से लाइटिंग को सेट करने में दुविधा आएगी जाहिर सी बात है। अब सामने इसको टाटा को लगाया गया है, कसाना की जो अपनी टाटा रखी है। अभी इसके ऊपर उस वाले कॉर्नर को बांधेंगे और उस वाले कॉर्नर को बांधेंगे, तब जाके ये प्रॉपर इस पर काम हो पाएगा। तो आपको दिखाऊँ मैं इधर से जाकर दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, क्योंकि उधर से आई थिंक दिख जाएगा। तो भाई ये थोड़ा थोड़ा सा कुछ सेटअप आपका इस तरह का दिख रहा है अभी यहाँ से। अभी भी कार्यक्रम चल ही रहा है, काम चल ही रहा है अभी भी। तो अभी आपको देख करके अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें अभी कितना काम कंप्लीट हो चुका है और कितना बाकी है। अभी मेरे ख्याल से इसमें काफ़ी सारी लाइटिंग है जो नीचे रखी हुई है, ये सारी लाइटिंग को ऊपर अभी टांगना बाकी रह गया है। ये सारी लाइटिंग जैसे ही ऊपर लग जाएगी तो इसका फाइनिंग जो फाइनल फिनिशिंग लुक आएगा उसके बाद ही आ पाएगा। अभी टाटा को लगा रहे ताकि थोड़ा सा कवर अप रहे और काम करने में कोई परेशानी ना हो, मतलब एक तरीके से कवर भी रहेगा और काम करने में कोई दुविधा भी नहीं रहेगी। आप देख सकते हैं एक टाटा यहाँ पर लाकर खड़ी कर दी है इसको हाइड करने के लिए, और एक और अभी आकर इधर लग जाएगी तो इधर से भी हाइड हो जाएगा प्रॉपर, और पन्ने को फिर इसके ऊपर बांध देंगे ताकि आराम से लाइटिंग टांगने में कोई दुविधा ना आए, कोई परेशानी ना आए। तो काम भी चलता रहेगा और ये हाइड भी रहेगा, छिपा भी रहेगा, मतलब बाहर से किसी को दिखाई भी नहीं देगा। तो देख रहे हो भैया आप लोग मतलब किस किस तरह से कार्यक्रम हो रहा है, काम हो रहा है। अभी का सारा डीजे में प्रॉपर काम चल रहा है भाई, थोड़ा छिपाया भी जा रहा है लोगों से ताकि सभी कुछ एकदम से रिवील ना हो, क्योंकि अगर पहली बार में ही सब कुछ दिखा दिया तो फिर बाद का जो मज़ा है वो मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को। इसीलिए हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको सब कुछ ना ही दिखाएं एक बार में तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी यार आप लोगों की डिमांड बहुत आ रही है कि अभी कसाना डीजे का अपडेट दिखाओ, कुछ दिखाओ कसाना डीजे के बारे में, क्या कुछ चल रहा है अभी वहाँ पर। तो इसीलिए मैं आज इधर आया हूँ कसाना डीजे पर। इस तरह कुछ कसाना डीजे का अभी तक सेटअप जो है बना है, और नीचे आप देखते हैं बहुत सारी लाइटिंग शार्पी वगैरह रखी हुई है, इनमें आई थिंक कुछ लाइट वहाँ पे भी रखी है, अभी वो भी इधर टंगेंगे भाई, और बाकी की नीचे रखी हुई है। तो एक बार कोशिश करता हूँ आगे बढ़ने की, आपको थोड़ा और क्लोज से दिखाने की। तो भाई अभी दिख रहे हो आपको सब लाइनर वाइनर टांग दिए गए हैं पूरे प्रॉपर तरीके से, मतलब फिनिशिंग तो पूरा कंप्लीट नहीं है। ऊपर दो या तीन लाइट लगी है, सेंटर में एक लेजर टांगी हुई है और शार्पी है दो कॉर्नर में, और इधर ट्रेबल वगैरह सब कुछ टांग दिया है। बाकी बस मेन लाइटिंग जो है वो रह गई है लगनी, क्योंकि इसमें बताया जा रहा था कि शार्पी इसमें काफ़ी सारी लगने वाली है, आई थिंक 30 या 32 के समथिंग शार्पी इसमें लगेंगी, तो वो भी रह गई है लगनी। जैसे ही वो लग जाएंगे उसके बाद इसका प्रॉपर एक लुक आना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई लोग देख लिया आपने किस किस तरह का अभी सेटअप तैयार हुआ है कसाना का बंद करके, क्योंकि अभी आई थिंक साउंड का जो सेटअप था वो पूरा लग चुका है, पूरा टंग चुका है। अब जो काम बाकी रह गया है वो मेरे ख्याल से 30% काम सिर्फ लाइटिंग का बाकी रह गया है, बाकी ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो ही चुका है कसाना डीजे। आप लोगों को मैंने दिखा दिया जितना कुछ भी दिखाने की मैंने मतलब संभावना थी, जितना कुछ भी मैं दिखा सकता था पॉसिबिलिटीज थी वो मैंने आपको दिखा दिया है, पर्दा जितना ऊपर उठा हुआ है। बाकी अभी जैसे भी जो भी अपडेट रहती है लाइटिंग टंगने के बाद सबसे पहले लाइटिंग की टेस्टिंग लगेगी, उसके बाद भी जब साउंड का टेस्टिंग लगेगा, मेरे ख्याल से वो डेट अनाउंस हो चुकी है 25 तारीख, यानी कि आज 22 तारीख है और 25 तारीख को साउंड की टेस्टिंग लगेगी कसाना डीजे की, इसी लोकेशन पर थोड़ा बाहर निकाल के लग जाएगी। तो आप लोग आ सकते हैं, अगर आप लोग लोकल से मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं आसपास क्षेत्र से रुड़की या हरिद्वार के, तो आप लोग बिल्कुल आ सकते हो आराम से। लोकेशन एक बार और बता देता हूँ आपको मैं कि जब आप बहादराबाद से आ रहे हैं या फिर हरिद्वार से आ रहे हैं तो आपको बताऊँ आपको टोल प्लाजा क्रॉस करना है बहादराबाद से, तो आपको आना है कोर कॉलेज पर, कोर कॉलेज से फिर आपको हाईवे पे चढ़ना है जो हमारा हाईवे दिल्ली जाता है कोर कॉलेज से, उसी हाईवे के ऊपर आपको आकर के लहरी ढाबा मिलेगा, यानी कि वहाँ से 1 किलोमीटर भी नहीं है 500 मीटर के समथिंग होगा कोर कॉलेज से, और आपको लहरी ढाबा मिलेगा। तो लहरी ढाबा पर आप आ सकते हो टेस्टिंग देखने के लिए, और अगर आप आ रहे हो दिल्ली साइड से या मेरठ साइड से तो आपको भी हाईवे के ऊपर ऊपर से ही आना है और आपको कोर कॉलेज से पहले ही दिख जाएगा लहरी ढाबा, और अगर आप रुड़की से आ रहे हो तो आपको बखूबी मालूम होगा कि लहरी ढाबा कहाँ पर है, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी फेमस है
और कौर कॉलेज भी काफी पॉपुलर है अपने आप में, तो आप लोग आराम से रुड़की वालों तो आराम से आ सकते हो, आप रुड़की के आसपास के ग्रामीण के क्षेत्र जो भी हैं वहाँ से आप लोग बहुत इजीली इसको ढूंढ लेंगे। तो गाइज ये थी आज की कसाना डीजे की अपडेट, बाकी फिर नई अपडेट के लिए मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ दूसरे ब्लॉग में अपने, जैसी भी जो भी अपडेट रहती है आपको दिखाता रहूँगा। और हाँ एक और कोशिश किया करें कि आप लोग जब मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं तो देखने वालों की संख्या ज़्यादा हो रही है, सब्सक्राइब करने वालों की संख्या कम हो रही है, तो कोशिश करें भाई सब्सक्राइब भी करते रहे ताकि मेरी हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच रहे। और इंस्टाग्राम यूज़र नेम मेरा मेंशन है, वहाँ पर भी आप जाकर के मेरे को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी रील्स लेकर के आ रहा हूँ, उस पर भी आप मेरे को फॉलो कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।